जय हिंद साथियों, आज हम अपनी इस नई वीडियो में आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा के संबंध में जो हमारा लेक्चर चल रहा था संविधान का, उसमें हम चर्चा कर रहे थे अभी तक संघीय कार्यपालिका की, और उसमें संघीय कार्यपालिका में हम अभी तक राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। राष्ट्रपति के अधिकार, कर्तव्य एवं शक्तियां, और जिनमें अभी तक हमने चर्चाएं की थी राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, और इसके अलावा संसद सदस्य के जो संसद में सदस्य मनोनीत होते हैं वो शक्तियां, राष्ट्रपति के पास जो मनोनीत करने की शक्तियां प्राप्त हैं संसद के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में, उसके अलावा सैन्य संबंधी शक्तियां और क्षमादान शक्तियां, राजनैतिक शक्तियां, इन शक्तियों की अभी तक हमने क्रमवार चर्चा की है। और आज हम अपनी इस नई वीडियो में राष्ट्रपति की एक अन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, और यह जो राष्ट्रपति की शक्ति है इसके बारे में आप प्रायः जानते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के, न्यूज चैनल्स के, और आइए हम चर्चा करते हैं। उसका नाम है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आज का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। साथियों, जब देश के टेरिटरी में, देश की सीमाओं के अंदर, मान लीजिए बाहरी शक्तियों द्वारा कोई हमला होता है, युद्ध की स्थिति रहती है, या भारत में जो अलग अलग राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, या जो भारत संघ है, उसमें कभी कभी जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, या जब देश में कोई वित्तीय संकट आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस अंग्रेजी में, या हिंदी में वित्तीय संकट कोई आता है, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह देश में आपातकाल लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां ऐसी स्थिति में प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वह संविधान के भाग 18, राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं वह संविधान के भाग 18 तथा अनुच्छेद 352 से के बीच में वर्णित है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच वर्णित हैं।
और जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो तीन तरह की हैं, या राष्ट्रपति को तीन तरह की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, या तीन तरह के आपातकाल होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा लागू किए जाते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं उसकी सलाह से राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है। आइए चर्चा करते हैं। पहला जो तीन तरह का आपात है उसमें पहला है राष्ट्रीय आपात। जो तीन तरह की आपातकालीन शक्तियां हैं उसमें पहला है राष्ट्रीय आपात, और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वह है 352। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात को वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 352। साथियों, राष्ट्रीय आपात है क्या ये इसे समझते हैं। जैसा कि अभी हमने एक बार चर्चा की थी कि जब युद्ध जैसी कोई स्थिति हो या देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो, किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण हो या युद्ध जैसे हालात हो, ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है। फिर से समझिएगा कि जब युद्ध के हालात हो, युद्ध जैसी स्थिति हो या किसी बाहरी शक्ति का भारत पर आक्रमण हो, तब ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह से, किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं उसकी सलाह से राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू करता है। यह बात है राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात लागू करता है। कब? जब युद्ध के हालात हों या किसी बाहरी शक्ति का भारत पर आक्रमण हो, तब यह राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति महोदय द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से लागू किया जाता है। इसमें कुछ और बातें हैं, हम इसको देख लेते हैं। वो ये है राष्ट्रीय आपात को संविधान के 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो
ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि राष्ट्रीय आपात को संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था, और 44वें संशोधन 1978 द्वारा जोड़कर इसे संवैधानिक प्रावधान बना दिया गया। 44वें संशोधन 1978 द्वारा, ये चीज में ध्यान रखने योग्य है क्योंकि यहां से प्रायः प्रश्न आ सकते हैं, और जो है विकल्प के रूप में चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और अगर आप जानते हैं तो आपका जवाब होगा 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था, इसको भी देख लेते हैं। पहली बार राष्ट्रीय आपात उन्नीस में भारत चीन युद्ध के समय लगाया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगाया गया था, और राष्ट्रीय आपात को संविधान में 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में, कि राष्ट्रीय आपात क्या है, इसे कब संविधान में जोड़ा गया, और किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात वर्णित है, तथा पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया। अब इसमें एक दूसरी बात है, दूसरी बात जो ये है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के तहत, वो ये है राष्ट्रपति शासन, और जिसका वर्णन है अनुच्छेद 356 में। यह जो शब्द है राष्ट्रपति शासन, इससे भी बहुत से हमारे जो साथी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस शब्द राष्ट्रपति शासन से भी परिचित होंगे कि राष्ट्रपति शासन है क्या। आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या है। साथियों, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कब?
संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। समझते हैं कि यह संवैधानिक तंत्र विफल होने का क्या मतलब है। आइए एक मिनट में देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है आप जानते हैं, और दिल्ली में विधानसभा की जो कुल सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 70। अब मान लीजिए कि दिल्ली में तीन राजनीतिक पार्टियां हैं, ए बी और सी। अब चुनाव हुआ, जब सरकार के 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ तो चुनाव हुआ 70 सीटों के लिए दिल्ली विधानसभा के, और चुनाव के बाद पार्टी ए को 25 सीटें प्राप्त हुई। पार्टी बी को 26 सीटें प्राप्त हुई और पार्टी सी को 19 सीटें प्राप्त हुई। हम समझ रहे हैं संवैधानिक तंत्र विफल होने का क्या मतलब है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली विधानसभा में मान लीजिए 70 विधानसभा सीटें हैं और वहां तीन राजनीतिक पार्टियां ए बी और सी हैं। चुनाव के उपरांत ए को 25 सीटें प्राप्त हुई, बी को 26 सीटें प्राप्त हुई और सी को 19 सीटें प्राप्त हुई। ऐसे में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो क्या हुआ, पार्टी सी ने बी पार्टी को समर्थन दिया और बी और सी की समर्थित गठबंधन सरकार जो है दिल्ली में बन गई। पार्टी सी ने पार्टी बी को समर्थन दिया जिससे सीटों की संख्या हो गई 45 और बी और सी ने गठबंधन करके दिल्ली में सरकार बनाई। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद यह हुआ कि सी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। कुछ समय बाद क्या हुआ, सी ने बी से अपना समर्थन वापस ले लिया और अब चूंकि बी के पास बहुमत बचा नहीं विधानसभा में और बी पार्टी अब सरकार चलाने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है, तो ये जो कंडीशन है उसी को संवैधानिक तंत्र का विफल होना कहते हैं। संवैधानिक तंत्र का विफल होना इसी को कहते हैं कि यदि सी और बी ने जो गठबंधन करके सरकार बनाई और कुछ समय बाद सी ने बी से अपना समर्थन वापस ले लिया, अब किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और बी अकेले सरकार बनाने या सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में
संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और उसी समय अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति महोदय द्वारा वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यह था उदाहरण के आधार पर संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब। अब आइए हम अपनी अगली बात पर चर्चा करते हैं। इसमें एक और बात है राष्ट्रपति शासन के संबंध में, उसको देख लेते हैं। यदि बात हो कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया था, तो उसका जवाब है 1951 में पंजाब में। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा था, पंजाब में 1951 में। यह बात थी राष्ट्रपति शासन के संबंध में। संवैधानिक तंत्र जब विफल होता है तब 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अब तीसरा जो आपात है वह है वित्तीय आपात। क्या है वित्तीय आपात? और यह वर्णित है अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपात वर्णित है अनुच्छेद 360 में। जब देश में कोई वित्तीय स्थिरता होती है, जब देश में वित्तीय स्थिरता होती है या देश के सामने जब वित्तीय संकट आता है, या देश के सामने जब विदेशी ऋण बढ़ जाता है, जब देश में कोई वित्तीय स्थिरता आए या वित्तीय संकट बढ़े या विदेशी ऋण बढ़ जाए, विदेशी ऋण का जो भार है वो बढ़ जाए, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तब जब देश में वित्तीय स्थिरता हो, वित्तीय संकट या विदेशी ऋण अधिक हो, ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू किया जाता है। यह था राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कि राष्ट्रपति आपात क्या है, इसे कब लगाया जाता है, वित्तीय आपात क्या है और इसे कब लगाया जाता है, और राष्ट्रपति शासन क्या है और इसे कब लगाया जाता है। एक बात इसमें और हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे अभी तक हमने देखा कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से आपातकाल लागू किया जाता है और मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं उनकी सलाह से
चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो या वित्तीय आपात हो या राष्ट्रपति शासन हो। ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनके तहत तीन आपात वह 352 से लेकर 360 अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अब हम एक और बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं, वह है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है राष्ट्रपति पर महाभियोग। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग। जब और यह वर्णित है, एक बार देख लेते हैं, अनुच्छेद 61, जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है। अभी तक जैसा हम जानते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तब राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहते हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तब अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वह अमल में लाई जाती है और महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को अपदस्थ किया जा सकता है या राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। साथियों, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पूर्व हटाने का सिर्फ एक ही आधार है, और वह है संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पहले हटाने का सिर्फ एक ही आधार है और वह है संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। यदि संसद द्वारा यह देखा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है तब संविधान के दायरे में राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए संसद द्वारा जो प्रक्रिया अमल में लाई जाती है वही है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर
संसद में महाभियोग लाया जाता है और राष्ट्रपति को यदि महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया दोनों सदनों से तब राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से संसद में महाभियोग लाया जाता है और पारित होता है। जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन होता है, जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन होता है तब संसद के किसी एक सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। संसद के किसी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है और महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाने की जो सूचना है क्या है, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। कितने दिन? 14 दिन। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है उसके तहत राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना 14 दिन पहले होती है और इसके अलावा जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव को सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाता है। ये प्रारंभिक प्रक्रिया है कि संविधान के जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा उस महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करके महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। अब वो प्रस्ताव जब दूसरे सदन में गया महाभियोग का, तो दूसरा सदन क्या करता है, वह राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है।
क्या करता है? दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है। जब एक सदन के दो तिहाई सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, तब उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है। अब यदि दूसरा सदन यह पाता है कि राष्ट्रपति पर जो लगा आरोप है वो सही है और राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया है या राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है, तब दूसरे सदन के दो तिहाई सदस्यों द्वारा भी यदि महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया तब, यदि दूसरे सदन के दो तिहाई सदस्यों द्वारा भी यदि महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया तब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह पूरी समझ ली जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति पर आरोपों की जांच किया और उसने पाया कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया है और दूसरे सदन के दो तिहाई सदस्यों द्वारा भी यदि महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया, तब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और तीसरी बात तब है, जब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब राष्ट्रपति को अपने पद का त्याग करना पड़ता है। राष्ट्रपति को अपने पद का त्याग करना पड़ता है। जब महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो गई तब राष्ट्रपति को अपने पद का त्याग करना पड़ता है और राष्ट्रपति अपने पद को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा छोड़ देते हैं। ये बात हुई राष्ट्रपति पर महाभियोग के अनुच्छेद 61 के तहत। तो ये बातें हुई राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति पर महाभियोग की। तो ये बातें आप जो है पढ़ते रहें, अपने ज्ञान भंडार में इसको अर्जित करते रहें और आगामी जो आपकी परीक्षा है 9534 पदों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा, उसके संबंध में एक एक विषय को एक एक टॉपिक को पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में संविधान की। तब तक आप सब इस जो टॉपिक आज बतलाई गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग
और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इनका नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अपनी अगली संविधान की वीडियो में, तब तक साथियों नमस्कार, जय हिंद।